से आ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सीधा चंडीगढ़ से। हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत पेश किया गया है। सीएम नायब सैनी ने विश्वास मत पेश किया है। विश्वास मत पर दो घंटे से बहस जारी है। जेजेपी के पांचों विधायक सदन से बाहर निकल गए हैं इस दौरान। तो हरियाणा विधानसभा में आज विश्वास मत सैनी सरकार पेश कर रही है। इस दौरान जो बहस है, जो चर्चा है, वो लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विधानसभा में चर्चा अभी भी जारी है। विश्वास मत पर दो घंटे से बहस जारी है। इस दौरान जेजेपी के पांच विधायक चर्चा के दौरान वहां से बाहर निकल गए। तो पांचों विधायक सदन से बाहर निकले हैं जेजेपी के, ये खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्वास मत को लेकर विधानसभा में चर्चा लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सवाल उठा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश छाबरा चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, अगर बात की जाए आज जिस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है विश्वास मत को लेकर, सैनी सरकार ने विश्वास मत पेश किया है, अभी लगातार जो है चर्चा जारी है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी रिया, आपको बता दें जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें नायब सैनी ने अपना जो है फ्लो टेस्ट पास करना था उसको लेकर राज्यपाल की तरफ से जो है एक एक घंटे का टाइम दोनों जो पक्षों को दिया गया था, पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपना पक्ष रखना था। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो है इसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है और इसी के बीच में जो है जेजेपी के जो पांच से छह विधायक थे वो वहां से निकल चुके हैं। लेकिन आपको बता दें जैसे कि अभी भी 82 से 83 जो है वहां पे विधायक वहां पे बैठे हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन करके चले तो उसके हाफ भी अगर काउंट करें तो अगर 43 के आसपास भी अगर विधायक भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जीत प्राप्त करती है, क्योंकि 42 से 42 विधायक जो उनके अपने हैं, निर्दलीय के विधायक भी उनके पक्ष में हैं। तो जीत 100% जो है भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में आती है जी। और उसके जी बिल्कुल राकेश, तो 41 विधायक पहले से बीजेपी के पास है और निर्दलियों ने भी समर्थन दे रखा है। अब ऐसे में हालांकि मुश्किल कहीं पर भी होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन खबर यह है कि जेजेपी के पांच विधायक जब चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, तो वो सदन से बाहर निकल गए, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, कुछ वहाँ पे जो बातचीत चल रही थी, कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत चल रही थी और कुछ आपत्तिजनक बातें हुई जिसको लेकर कुछ विधायकों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद जो है सहमति ये बनी कि जो जेजेपी के विधायक हैं वो इनको समर्थन नहीं देंगे। तो उसके बाद जो है सारे विधायक वहां से निकल गए। तो आपको बता दें उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है अभी 42 से 42 विधायक उनके अपने हैं, बाकी निर्दलीय को कैलकुलेशन करें तो फिर भी वो अगर जेजेपी नहीं भी सपोर्ट करती है, उनके विधायक नहीं भी सपोर्ट करते तो भी जीत 100% उनकी पक्की है। जी जी राकेश, साथ ही अगर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की बात करें, कल हमने देखा था किस तरह से शपथ ग्रहण में वो शामिल नहीं हुए थे। हालांकि जब सुबह मनोहर लाल अपना इस्तीफा देने गए थे तो उनके साथ गाड़ी में जरूर मौजूद थे। खबर ये भी आ रही थी कि शायद नाराज चल रहे हैं। हालांकि उसके बाद उनका बयान सामने आया है कि मैं बीजेपी के लिए ही काम करता रहूंगा, इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट? जी रिया बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कल शपथ ग्रहण तक जो है अनिल विज अपनी शिकायत जरूर नजर बता रहे थे, वहां पे जैसे वहां से नाराज होकर निकले तो यही था कि ये मतलब पार्टी से किनारा कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही शपथ ग्रहण हुई उसके बाद पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो है सैनी सीएम सैनी की तरफ से जो है पूरे प्रयास किए गए कि उनको मनाया जाए और कहीं ना कहीं ये जो है रंग भी लाई। और आज सुबह जो है वो अंबाला से जो है अनिल विज वहां से निकले और गाड़ी में आए और सदन में भी वहां पे पहुंचे और अभी भी वहां पे हैं, मौजूद हैं। अभी ये सदन कितनी देर और चलेगा, क्या मुद्दे होते हैं? वैसे अगर बात करें तो विपक्षी जो विधायक हैं अभी भी बहस जारी है क्योंकि उनके जो 10 मुद्दे हैं वो कह रहे हैं जो 10 काम है अभी ओवर पेंडिंग है, जैसे कि 60 साल के ऊपर की पेंशन हो गई, जो युवा हैं उनको नौकरी देने की, ऐसे 10 मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी भी बहस जारी है। और कितनी सहमति होती है, क्या ऐलान होते हैं, ये आने वाली तस्वीरें बताएंगी। जी जी, साथ ही राकेश अगर बात की जाए, जैसा आपने भी कहा कि बहस जो है लगातार जारी है, कितना और वक्त लग सकता है, कब आखिर वोटिंग होगी और क्या क्रॉस वोटिंग की भी यहाँ पे संभावना देखने को मिल रही है? जी रिया बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे
राज्यपाल की तरफ से 2 घंटे का टाइम दिया गया था पक्ष और विपक्ष को, लेकिन जैसे कि अभी आपको पिछले लगातार तस्वीरें देख रहे हैं उसमें यही दिखाई दे रहा है कि बहस अभी भी जारी है। विपक्ष अपने जो मुद्दे हैं वो रख रहे हैं, अगर मुद्दों पे सहमति होती है तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी को समर्थन मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं अभी भी इसके ऊपर अभी बहस आ रही है, लेकिन अभी कितना समय लगेगा इसका अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जल्द इसके ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी राकेश, साथ ही मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है उसका बार बार यही कहना है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो है टूटा है, पूरी बीजेपी की सोची समझी साजिश है, और ऐसा बीजेपी करती भी है कि जब भी उसे लगता है कि एंटी इनकम्पेंसी हो सकती है तो वो मुख्यमंत्री बदल देती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि इलेक्शन पास में है, एक एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वो आते हैं गुड़गांव में जो है प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद जो है सीएम मनोहर खट्टर की सराहना भी करते हैं, और उसके करीब 24 घंटे के बीच बीच में ही ये जो हलचल होती है गठबंधन टूट जाता है, और उसके बाद सीएम मनोहर खट्टर भी जो है उसके बाद इस्तीफा देते हैं, पूरी कैबिनेट इस्तीफा देती है, तो कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से उनकी कैलकुलेशन की सीटें दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑपोजिशन और जेजेपी को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल राकेश, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करती है बहुत सोच समझ कर और प्लान्ड वे में करती है, वहीं इस दौरान जो सैनी सरकार है उसने विश्वास मत पेश कर रखा है, बहस जारी है, देखना होगा वोटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।